टूल यूज किया है पहले ज्योग्राफी की टीचिंग लर्निंग के लिए। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या आप कुछ लोग अगर बोलना चाहें तो वो बोल भी सकते हैं क्विकली वो करके ऑन करके अपना। किसी ने यूज किया है पहले आईसीटी के टूल्स वगैरह? कोई बता सकता है मुझे विच वन? थोड़ा बहुत करते हैं जी, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बहुत करते हैं जी। बहुत करते हैं। ठीक, कौन स्कूल में है जी हमारे, जो ये आए हुए है ना डिजिटल बोर्ड आए हुए हैं, वो यूज करते हैं हम। बच्चों को उनमें मैप वगैरह दिखाते हैं। Somebody said QGIS, some extent, okay. To some extent. Okay. So ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोग और ठीक है, सो नेवर माइंड। ज्योग्राफी जो है हम लोगों का बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे फिजिकल, जैसे कि हम जानते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी भी होता है, एंड देन वी ऑल्सो हैव ज्योग्राफी होता है, सब कुछ होता है। सो एम आई ऑडिबल? क्या मैं सुन सब आप सुन सकते हैं मुझे? ओके ठीक, बिकॉज आई गॉट डिसकनेक्टेड इन बिटवीन। ठीक है, यस सो मैडम, यू आर ऑडिबल। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। सो ज्योग्राफी जो है बहुत ही डाइवर्स उसका स्कोप है, एंड जैसा कि हम हमने पढ़ा भी, आप सब भी पढ़ाते होंगे कि उसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी आता है, उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी आता है, उसमें कल्चरल ज्योग्राफी, हमारे पास पॉपुलेशन का की हम स्टडी करते हैं, तो ये सब सारे जो एस्पेक्ट्स हम एनवायरनमेंट उसमें पढ़ते हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें, GIS एंड रिमोट सेंसिंग एज अ टूल, वो भी एक टूल है ICT का। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, जब हम ज्योग्राफी की पढ़ाई करते हैं या पढ़ाते हैं हम तब। कुछ तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्कोप है ICT यूज करने का भी, या जो रेंज है जहाँ पे हम ICT यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़ जाता है, राइट? हमारे पास जितना स्कोप होता है चीजों को स्टडी करने का, उतने ही ज्यादा फिर हमें स्कोप होता है उसको एप्लीकेशन भी उन चीजों का करने का। ICT जो है अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में बहुत नया नहीं है, अनलाइक अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, क्योंकि जब से कंप्यूटर्स का यूज शुरू हुआ तो ज्योग्राफी में डेटा एनालिसिस जो था, हमने डेटा गैदर करना शुरू किया, मैप्स बनाने शुरू किए हमने, एंड स्पेशली जब से GPS और GIS वगैरह, तो पोजिशनिंग की जब हम, बिकॉज ज्योग्राफी जो है वो प्लेस उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, राइट? सो प्लेस, लोकेशन, तो जब इनकी बात हम तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी में ये सब चीजें, तो जब हमने जब ये GPS वगैरह, जब पोजिशनिंग की, डिजिटल पोजिशनिंग की बात शुरू हुई, उसमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ और कंप्यूटर्स का यूज जब शुरू हुआ, हम लोग ज्योग्राफर्स जो थे उन लोगों ने डेटा गैदर करना शुरू किया, एंड देन डेटा की एनालिसिस शुरू की। तो ज्योग्राफी में समझ लीजिए कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बाद से ही ये जो था ICT का यूज शुरू हो गया था। इफ नॉट लेट 1950s, अगर हम ना कहें तो एट लीस्ट 60s 70s तक ज्योग्राफी में ICT का यूज होने लगा था डिफरेंट तरीके से,
अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें ज्योग्राफी की, तो जब से क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ एंड सोशल साइंस में भी एडॉप्शन हुआ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का, एंड जो एनालिटिकल अप्रोच था वो ज्योग्राफी में भी शुरू हुआ. हम लोग ट्रेस कर सकते हैं वहां से. तो अब जो कि अभी के परिवेश में जब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिए जोर दिया जा रहा है, बहुत एडवांसमेंट हो चुका है, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं. ज्योग्राफी में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जहाँ पे आईसीटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं. मैं क्विकली शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन प्रेजेंटेशन, एंड देन हम लोग वन बाय वन कैसे ज्योग्राफी को इन जनरल, बहुत अगर हम सिर्फ मैप मेकिंग में ना भी जाएं, यूजुअली ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी में आईसीटी का यूज मतलब जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग. सिर्फ वो नहीं है बल्कि बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हम ज्योग्राफी को में आईसीटी को यूज कर सकते हैं. एंड हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग ज्योग्राफर्स हैं या ज्योग्राफी के टीचर्स हैं, तो हमें सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी नहीं बल्कि सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बेसिकली फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को हमें लेके चलना है. और आईसीटी का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, नॉट जस्ट मैप मेकिंग, जो कि यूजुअली हम लोग सोचते हैं ऐसा कि ओके रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस यूज करके मैप बनाना में ही हम यूज कर सकते हैं. मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन और हम लोग फिर देखेंगे कि हाउ मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ. मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, है यस यस मैम, ना? बिल्कुल, यस यस. ठीक है. अभी जो है हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी देख रहे हैं ज्योग्राफी में, और जो है उसमें हम लोग कंटेंट क्रिएशन भी, मैं साइड बाय साइड लेके चलूंगी कंटेंट क्रिएशन भी, ई कंटेंट भी. ठीक है, तो नथिंग टू वरी, हम लोग दोनों कवर करेंगे इकट्ठा. थोड़ा इंट्रो में मैं कंसेप्चुअली थोड़ा सा मैं आप लोगों को ले जाना चाहती हूँ कि हम लोग बेसिकली आईसीटी का इंटीग्रेशन जो जब करते हैं ज्योग्राफी में या फॉर दैट मैटर कोई भी सब्जेक्ट में, चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों को कंसिडर करने हैं, या चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन पे हमें पॉन्डर करना है और ध्यान में रख के हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है आईसीटी का. सबसे पहला इज व्हाट, कि हम क्या इंटीग्रेट करना चाहते हैं, किस कौन सा टॉपिक में हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं या किस चीज को सप्लीमेंट करना चाहते हैं आईसीटी से. देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई, व्हाई मतलब कि हम आखिर क्यों करना चाहते हैं, कि हमारा उसमें क्या एडवांटेज होगा. तो आईसीटी जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक में हम आईसीटी इंटीग्रेट करें या हर टॉपिक में आईसीटी इंटीग्रेट करने से ही वो टॉपिक हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या यू नो टीचिंग लर्निंग हो सकती है, समझा सकते हैं. बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें शायद ग्रुप डिस्कशन ज्यादा अच्छा हो सकता है या फील्ड में जाके हम ज्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं. तो उसमें हम जब मतलब जरूरी नहीं कि हम सिर्फ आईसीटी पे ही रिलाई करें, बल्कि हम फेस टू फेस जो मोड है या फिर जिस हम फिजिकल मोड जिसको हम कहते हैं उसमें भी जाकर के हम उनको दिखा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉइल का टेक्सचर बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल, तो सॉइल का टेक्सचर हम शायद आईसीटी के माध्यम से उतने अच्छे से ना बता पाए जितने अच्छे से हम उनको हाथ में देके या टच करा के बता सकते हैं. क्ले सॉइल है, लोमी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, जब हम कहते हैं तो उसको कहते हैं कि ऐसे इकट्ठा हो जाता है या ऐसे क्ले ज्यादा होता है उसमें, तो उसमें ऐसे करने पे वो ऐसे मुट्ठी में बन जाता है, ऐसे लड्डू के जैसा हम उसको बांध सकते हैं ज्यादा अच्छे से, हमें एक दूसरे के साथ स्टिक करता है. तो ये चीजें हम हो सकता है आईसीटी के माध्यम से बहुत अच्छे से ना समझा पाए उनको, और इस टॉपिक के लिए शायद फिजिकल वाला जो माध्यम है वो ज्यादा उनको हाथ में मिट्टी देके या उनको दिखा के ऐसे ले जाके वो माध्यम ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है. बट कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हम आईसीटी का अगर यूज करें तो वो ज्यादा अच्छे से हम उनको समझा सकते हैं. देन थर्ड क्वेश्चन इज फॉर हुम, कि हम किसके लिए कर रहे हैं. तो इसमें स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कौन से यू नो स्टेज के स्टूडेंट्स हैं, प्री प्राइमरी हैं कि
प्रेपरेटरी स्टेज है कि सेकेंडरी स्टेज है या मिडिल स्टेज है या टीचर्स हैं जैसे आप लोग हैं, तो कौन से लेवल के लोगों के लिए हम जो है टारगेट ऑडियंस हमारा क्या है वो देखना जरूरी है। और साथ में ज्योग्राफी में जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है प्लेस या रीजन, है ना, तो वो हम ध्यान में रखें कि जब हम उनको बता रहे हैं या कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं तो हम उनके सराउंडिंग का एग्जाम्पल दें। जैसे अभी और ये भी कि जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो उनसे फेमिलियर हो, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जैसे अभी मुझे बताया कि आप लोग मोस्टली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के लोग हैं, तो मैंने अपना प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ मोस्टली हिंदी में, तो अगर मैं आपसे कुछ बांग्ला में करने लगूँ या एसमीज में करने लगूँ तो आपको समझ में नहीं है, या कन्नड़ में करने लगूँ तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, तो कोई पर्पस ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही जो आसपास का जो उनका परिवेश है उसका एग्जाम्पल अगर हम दें, उदाहरण अगर वहां के हों तो वो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अगर साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं या पर्टिकुलर एक स्टेट के हैं तो आप जो एग्जाम्पल्स दें वो वहाँ के एग्जाम्पल्स उनको दिखाएं, यानी तो वो ज्यादा सूटेबल होगा उनके लिए। एंड हाउ, मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन है हाउ, कि मतलब हम कैसे उसको इंटीग्रेट करें, कौन सा फॉर्म हम यूज करें आईसीटी का, जैसे कि हम जैसे ई कंटेंट यूज करें तो क्या यूज कर रहे हैं, क्विज है कि क्या है, थोड़ा हम और आगे देखेंगे कि इस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा जो है फॉर्म ऑफ आईसीटी या ई कंटेंट कौन सा सूटेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं सोशल साइंस में स्पेशली और ज्योग्राफी में भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे फीमेल फिटी साइड होता है या कुछ ऐसे, जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो उसमें सेफ्टी की बात करते हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो कई बार छोटे बच्चों को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको एनिमेशन के फॉर्म में हम दिखाते हैं या कार्टून्स के फॉर्म में दिखाते हैं ताकि ये जो है ये उनको अच्छे से समझ में आ जाए और उनपे उनके मेंटल साइकोलॉजिकल भी कुछ ऐसे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए ये आईसीटी के जो यूजेस हैं ओवर जो ट्रेडिशनल वे जो है हमारा समझाने का, उसके ऊपर ये जो है आईसीटी के कुछ तरीके जो है बहुत कारगर साबित होते हैं जब इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स जब हम कहते हैं कि उनको डील करने के लिए। और वैसे ही जैसे जब जहाँ पे टाइम लैप्स होता है, अब 100 साल पहले क्या था या 50 साल पहले या 30 साल पहले, तो हम लोगों के पास उसका हम जाके फिजिकली उसको दिखा नहीं सकते, तो ऐसे केस में भी बहुत यूजफुल होता है आईसीटी का यूज। और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें टाइम लैप्स वाली जो चीज है वो हम दिखा सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है, ऐसे करके। और इस पे और ऑल्सो प्रोजेक्शन जब होता है, जब हम पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की बात करते हैं या फिर एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन या उसके हिसाब से रिलेटेड मैनेजमेंट या ट्रांसपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ये सब का जब करते हैं, तब भी उस समय में ये आईसीटी का जो है डेटा एनालिसिस प्रोजेक्शन ये सब बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और यहीं पे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाता है, आजकल काफी बज वर्ड है जो काफी कॉमन वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में पहले भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की चीज यूज करते थे, दो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था एग्जैक्टली, बट हम लोग उस तरीके की चीजें करते थे जब पॉपुलेशन प्रोजेक्शन वगैरह की बात करते थे या रिसोर्स मैनेजमेंट की या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्लानिंग में जब हम करते थे तो वी हम लोग प्रोजेक्शन वगैरह करते थे। अब क्या है, थोड़ा और एडवांस्ड हो गया है, अब हम ओवरलेज करके जीआईएस यूज करके और बिग डेटा एनालिसिस यूज करके एआई का यूज करके एंड देन हम लोग और एक्यूरेटली प्रोजेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा कि कई चीजों में जब हम जिन चीजों में हम नहीं कर पाते थे प्रोजेक्शन उसमें भी हम कर सकते हैं एआई यूज करके, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सब कुछ आयाम है या दायरे हैं जिनमें हम एक्सप्लोर, जो ज्योग्राफी का जो दायरा है वो काफी ब्रॉड है, तो हम इन सब चीजों में हम लोग एंटर करके ज्योग्राफी को हम लोग इन चीजों को यूज कर सकते हैं आईसीटी को अलग अलग तरीके से।
ये मैंने ऑलरेडी डील कर लिया आप लोगों से कि व्हाट व्हाई फॉर हूम एंड देन हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। अब थोड़ा सा हमें ये सब आप लोग ऑलरेडी आप लोगों ने ये सेशन में पिछले सेशन में अभी जो ये टी पैक मॉडल आप लोगों को दिख रहा है या ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे। मैं बस आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये स्लाइड आपको दिखा रही हूँ और इसके बारे में जिक्र करें सो दैट यू कैन कनेक्ट टू इट। अब ये जो है ये टी पैक मॉडल है और इसमें ये शो कर रहा है कि जो भी एक अच्छा इंटीग्रेट आईसीटी का तब हो सकता है जब कोई भी पर्सन कर सकता है जब उसके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, कंटेंट नॉलेज है और पेडागॉजिकल नॉलेज है। सो इन तीनों नॉलेजेस का कॉम्बिनेशन जब होता है देन दिस इज कॉल्ड एज टी पैक मॉडल एंड टी पैक नॉलेज, सॉरी टेक्नोलॉजिकल पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज, ठीक है। तो टी पैक इसको कहते हैं। तो ये हमें डेवलप करना है अपने अंदर कि कंटेंट नॉलेज, हम चूंकि ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट हैं या सोशल साइंस के हम लोग स्पेशलिस्ट हैं तो कंटेंट नॉलेज हमारे पास है। आप लोग टीचर्स हैं तो आपको आइडिया है कि कैसे पढ़ाना है, थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं अपने आप में, हमेशा ही कर सकते हैं वो तो वो भी हमें देखना है कि पेडागॉजिकली कैसे हम उसको स्टूडेंट्स को हम डिलीवर कर सकते हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक। एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कुछ लोगों को अच्छी है कुछ लोगों को थोड़ी कम है, तो वो धीरे धीरे अभी ये सेशन ये ट्रेनिंग आपका जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है उसके तहत या बाकी आगे भी चल के आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपना। तो ये जो है नॉलेज अब हम लोगों को ये हम आगे जो हम चीजें हम डिस्कस करेंगे उसमें ये यूज होगा हम लोगों को। अब मैं ई कंटेंट की बात कर रही थी तो ई कंटेंट जो है आप लोग ये सब ऑलरेडी आई थिंक कर चुके हैं अभी 2-3-4 दिनों में। तो ये ई कंटेंट जो है जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ज्योग्राफी में भी हम लोग मैप वगैरह हम तो काफी पहले से यूज कर रहे थे और ग्राफ है चार्ट है ये सब कुछ हम ऑलरेडी हमारे से हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हमने एक्सेल शीट में एक्सेल में हमने ग्राफ वगैरह बनाया है, हमने चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, डायग्राम्स बनाए हैं, हमने मैप्स बनाया था। हम लोग तो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो रोटरिंग पेन से हम लोग बटर पेपर पे हम लोग या ट्रेसिंग पेपर पे हम लोग बनाते थे। तो ये सब हम ऑलरेडी हम लोग आईसीटी का यूज करके हम लोग करते आए हैं ज्योग्राफी के लोग। अब थोड़ा सा और हम लोगों को क्लियर होना है कि हाँ यही आईसीटी है, हम जो यूज कर रहे थे वही आईसीटी है और थोड़ा और एनहांस हम लोग को थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना है। टेक्स्ट है, इमेज है, जो कुछ भी ये सारा कुछ जो मैप्स हैं ये सब कुछ जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो वो ई कंटेंट कहलाता है। इन्फोग्राफिक्स हैं, इंटरक्टिव्स हैं, ये सब कुछ ई कंटेंट होता है। अच्छा हम लोग विशेष जो हमारा वेदर मैप होता है या ज्योग्राफी में या जो हम लोग शो करते हैं कि कैसे कहाँ पे कितना है और या जो न्यूज़पेपर्स में जो आता है वो सब कुछ की और फिर बगल में से बादल बना के कि उसके नीचे यहाँ पे या न्यूज़ में दिखाते हैं जब वेदर रिपोर्ट दिखाते हैं न्यूज़ चैनल्स पे तो एंड में आता था ना, पहले भी आता था कि आए जाने मौसम की जानकारी या मौसम का हाल क्या है तो उसमें ऐसे मैप में वो बना के दिखाते हैं एंड साथ में फिर ऐसे भी दिखाते थे कि बारिश होगी यहाँ पे गरज के साथ छींटे पड़ेंगे और मौसम ऐसे धूप होगी है। ये सब इंफोग्राफिक जो है ये आज जो है और भी सब्जेक्ट्स में यूज करते हैं इंफोग्राफिक के फॉर्म में। तो हमारा मैप तो था ही था उसमें भी हम यूज करते थे, अपार्ट फ्रॉम दैट भी हमने कब हम लोग ज्योग्राफी में इंफोग्राफिक्स वगैरह यूज करते आए हैं, फ्लो चार्ट है, फ्लो डायग्राम है या कुछ और हम शो करते जो डायग्राम्स हम बनाते थे उस तरीके से कि जैसे हमारा वो जो वाटर साइकिल का डायग्राम होता है या कार्बन साइकिल ये सब सब जो हम यूज करते हैं तो इस तरह एक तरीके से इंफोग्राफिक भी वो होता है कि ग्राफिक्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हम उसमें शो करते हैं। तो हमें बस समझना है जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें बस समझना है कि दिस इज व्हाट आईसीटी इज और हम लोग फिजिकल फॉर्म में करते थे अब उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें यूज करना है। और प्लस अब जैसे बहुत जो बिग डेटा एनालिसिस है या एआई का यूज है ये सब जो है डिसेंट चीजें हैं उन सबको हम लोग को थोड़ा फेमिलियर होना है। ये जैसे एक एग्जाम्पल है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कई बार कि ये हिमालय का इम्पोर्टेंस हिमालय का क्या इम्पोर्टेंस है उसको हम मैं पॉइंट वाइज नहीं करके मैंने इस तरीके से शो किया है। ये एक इंफोग्राफिक है मैंने इजिली यूज करके एक टूल है उसको यूज करके बनाया है
तो ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगता है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहा है रादर देन जो सिंपल हम टेक्स्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये जस्ट फॉर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये आप लोगों को दिखाया। अब ई कंटेंट भी है, आप लोगों का ई कंटेंट का भी एक सेशन हुआ होगा कि ई कंटेंट कैसे बनाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट, ये द प्रोसेस है, आडी मॉडल जो यूज करते हैं उसमें और ई कंटेंट का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये यूज होता है जो मॉडल है आडी मॉडल वो यूज होता है कोई भी ई कंटेंट बनाने में। ये इसका सेशन भी आप लोगों का मेरे ख्याल से हो चुका है, ये हो चुका है आपका सेशन, फिर मुझे बताएगा, यस मैम, हो चुका है। हो चुका है ना? हाँ, तो ये जब हम आईसीटी की बात कर रहे हैं तो उसमें ई कंटेंट भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब थोड़ा सा मैं इस पे एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आईसीटी जो है उसमें ई कंटेंट तो है ही है, साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। सो कई बार हम लोग, आपने सुना होगा आईसीटी बोल रहे हैं फिर ई कंटेंट बोल रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? तो आईसीटी मीन्स ई कंटेंट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है, आपका मैप है, चार्ट है, ग्राफ है, ये सब कुछ, ऑडियो है, वीडियो है, ये सब कुछ ये ई कंटेंट में आ गया। प्लस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं या इंटरेक्शन, जैसे अभी मैं आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही हूँ, राइट, और मैं जूम पे हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं और मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ और आप मुझसे, तो ये भी आईसीटी का पार्ट है। ये ई कंटेंट नहीं है जो अभी जूम प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, ये ई कंटेंट नहीं है, बट हम आईसीटी यूज कर रहे हैं, इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक टूल है ये, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। अब इसमें जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा रही हूँ वो ई कंटेंट है, राइट? तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हैं जो आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि आईसीटी मतलब ई कंटेंट एज वेल एज ये जो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या वेबसाइट्स हम यूज करते हैं, ये सब कुछ, या जूम है या गूगल मीट है, ये सब कुछ आईसीटी में आता है। और इसमें जो हम इस तरह की चीजों में जो हम यूज करते हैं, जैसे अभी मैं प्रेजेंटेशन यूज कर रही हूँ, या मैं आपको कोई वीडियो प्रोग्राम दिखाऊंगी या कोई ऑडियो सुनाऊंगी, या आप वेबसाइट पे जाके कुछ टेक्स्ट उसमें एक्सेस करते हैं ना, उसमें लिखा होता है तो वेबसाइट में, तो वो आप जाके पढ़ते हैं, आप वेबसाइट में जाके क्लिक करते हैं, आप फिर एक आपको यू नो राइट अप दिखाई देता है, तो वो सब क्या है, वो है वेबसाइट के अंदर ई कंटेंट। तो ये चीजें बस आपको समझनी है, क्लियर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि तभी उसके बाद जो है आगे जो है हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो होगा। सो आईसीटी इंक्लूड्स ई कंटेंट एज वेल एज ये सारे प्लेटफॉर्म्स और जिसमें वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप ऑनलाइन क्विज खेलते हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो प्लेटफॉर्म है जैसे जूम है, गूगल मीट है, ये सब कुछ आईसीटी में आता है, ठीक है? अब ये जो है आपको जो अभी दिख रहा है वो है आपका लिस्ट है एक, जो सोशल साइंस के टूल, सोशल साइंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ज्योग्राफी में हम, जैसे मैं पहले भी कहा कि सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी इज नॉट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो भूगोल सिर्फ ये जो है फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, इसमें सोशल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी ढूंढेंगे तो कई बार आपको सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के टूल्स मिलेंगे या जीआईएस या मैप मेकिंग मिलेगा। तो मैंने इसलिए ये यहाँ पे सोशल साइंस लिखा है बिकॉज एक तो कि कई सारे आप लोग जो टीचर्स होंगे वो कोई और भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे, नॉट सिर्फ सिर्फ ज्योग्राफी आप लोग नहीं पढ़ाते होंगे, सिर्फ भूगोल, कोई पॉल साइंस भी पढ़ाता होगा, कोई हिस्ट्री भी पढ़ाता होगा, तो आप इसमें से रिलेट कर सकते हैं चीजों को। और ये कुछ टूल्स जो हम ज्योग्राफी में यूज कर सकते हैं वो आप दूसरे सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में भी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा ज्योग्राफी का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारा वाइड रेंज है उसमें सब्जेक्ट मैटर का, तो बहुत सारी चीजें हम इसमें इंक्लूडेड रखते हैं। और ये जो मैंने लिस्ट आपको अभी जो मैं शेयर कर रही हूँ वो जरूरी नहीं कि सिर्फ यही है, ये कुछ हैं जो मैंने यूज किए हैं या मैंने इनको, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं और बहुत सॉफ्टवेयर होंगे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनमें जो कि ओपन सोर्स हैं, फ्री एंड ओपन, जो फॉस हैं, फॉस भी आप लोगों ने
ना, अब आप लोग को पता होगा, और फ्री एंड ओपन सोर्स है। अगर फ्री नहीं है तो भी तो ओपन सोर्स तो है, या ऐसे हैं जिनमें आपको यूज करने के लिए आपको कुछ अलग से पेमेंट वगैरह करके रजिस्टर करके नहीं, बस ऑनलाइन लॉग इन करना पड़ेगा, ऐसी चीजें। तो मैं ज्यादातर आप लोगों को यही मैंने यहाँ पे लिस्ट में रखा है, और आप चाहें तो इनमें से इसमें पेमेंट करके और आप इसमें से फीचर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये भी कि आप इसमें और भी कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो इसमें मेंशन नहीं है वो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है हमारी तरफ से। मैंने जस्ट कुछ आप लोग के रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहला जो है मैंने लिखा है भुवन। भुवन जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ऑफलाइन भी इसको यूज कर सकते हैं कुछ कुछ फीचर्स इसके, और ये इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इसरो ने बनाया है, और स्कूल भुवन इसी से रिलेटेड है कि वो एनसीईआरटी का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, और एनसीईआरटी और इसरो की कोलाबोरेशन से वो स्कूल भुवन जो है वो बना है ज्योग्राफी के लिए स्पेशली। सो भुवन है, देन मार्बल केडी है। केडी इज द जो नेम है वो कम्युनिटी का, ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है मार्बल, और इसमें ज्योग्राफी का तो है ही, आप मैप वगैरह बना सकते हैं, आप हिस्टोरिकल मैप्स भी देख सकते हैं, देन पॉलिटिकल मैप है इसमें, स्ट्रीट व्यू है इसमें, भुवन में भी आप देख सकते हैं जोन करके स्ट्रीट लेवल तक, देन गूगल अर्थ है, हम में से कई लोगों ने गूगल अर्थ यूज किया होगा, और इसमें भी काफी सारे आप स्ट्रीट व्यू भी देख सकते हैं। स्ट्रीट व्यू मतलब एक स्ट्रीट लेवल तक आप उसको जूम कर करके आप देख सकते हैं, एंड लोकेशन जो है प्लेसेस, इन सब में तीनों में आप मैप बना सकते हैं, और गूगल अर्थ में और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। क्यू जी आई एस जैसे सर ने भी कहा था, बताया था कि वो यूज करते हैं इसको, क्यू जी आई एस भी मैप बनाने के लिए, इसमें भी स्ट्रीट व्यू है, और ये भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देन mapchart.net है एक वेबसाइट, ये इंटरैक्टिव आपको प्लेटफॉर्म देता है जो जिसपे आप मैप बना सकते हैं, ठीक है, कि अब बहुत सिंपल, बाकी सब में तो थोड़ा कम डिटेल मैप भी और काफी सोफिस्टिकेटेड मैप्स भी आप बनाते हैं। mapchart.net में बहुत सिंपल जो मैप्स वो भी आप बना सकते हैं, और एक एक एरिया का वो भी दिखाता है। देन ट्रोफी है, ट्रॉफी में आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो सेव करके रख सकते हैं आप इसमें, और अच्छा मैं क्विकली आपको उनको थोड़ा उसको भी दिखाती जाती हूँ, सो दैट साइड बाय साइड दोनों चीजें होती है। हाँ ये जो है ये ऐसा दिखता है, और ट्रॉफी में बहुत सारे आप रिसर्च के फोटोग्राफ्स आप डाल सकते हैं इसमें, जैसे कि बहुत पुराने जो टेक्स्ट है उनकी क्लिक फोटो क्लिक करके और रहते हैं, तो ये कम समझ लीजिए कि ऑनलाइन लाइब्रेरी टाइप का है। फोटोग्राफ्स हम इतने रखते हैं तो हमारा फोन भी फुल हो जाता है, हमारे पास जगह भी नहीं होती, सो हम लोग इसमें ये रख सकते हैं ऑनलाइन लाइब्रेरी टाइप, रिपोजिटरी टाइप का, या लाइब्रेरी टाइप का हम अपना एक फोल्डर या ऐसे करके इसमें और भी मिल जाते हैं बहुत सारे, आप भी इसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की चीज है जिसमें आप रख सकते हैं, टोपो शीट्स का फोटोग्राफ है, या और भी जगह की फोटोग्राफ है, या सैटेलाइट इमेजरी है, कुछ भी, या पुराने जो टेक्स्ट हैं उनके मैप्स वगैरह, या कुछ भी जो रेफरेंसेस हैं उनका, या ह्यूमन जॉब पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है प्लेसेस के बारे में, तो उसकी फोटोग्राफ आपको इसमें मिल जाएगी, या आप भी इसमें डाल के रख सकते हैं। देन उसके बाद फिर ये windy.com है, आई थिंक आई हैव नॉट मिस समथिंग, जस्ट क्विकली, नो, हाँ ठीक है, windy.com है, इसमें रियल टाइम लाइव जो होता है, रियल टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड का वेदर फिनोमेना आपको इसमें दिख सकता है। सो कहीं पे साइक्लोन आ रहा है तो मैं सेडिस्टिक नहीं हो रही हूँ, और मैं उस टाइप का वो नहीं रहा, मैं बता रही हूँ ज्योग्राफर के हिसाब से, कि कहीं पे साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह, एंटी साइक्लोन वगैरह, तो आप इसमें दिखा सकते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से दिखता है इसमें कि वहां पे विंड्स कैसे कन्वर्ज कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में विंड्स जो हैं वो ब्लो कर रही हैं, या किस डायरेक्शन में विंड्स ब्लो, तो ये बहुत अच्छे से उसमें दिखाया। तो और भी बहुत ज्यादा ओशन टेम्परेचर, देन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड, और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स वगैरह इसमें बहुत अच्छे से आप दिखा सकते हैं। देन वी हैव स्टेलारियम। स्टेलारियम एक और टूल है जिसमें कि वर्चुअल रियलिटी की तरीके से, मतलब वर्चुअली हमको ऐसे लगता है कि हम
स्पेस मतलब ऐसे बाहर निकल के खड़े हैं। और अभी भी हम यहाँ पे, जैसे मैं भी नोएडा में हूँ, तो अभी जो रियल टाइम, अभी जो स्काई में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से स्टार्स हैं, वो सब अभी देख सकते हैं। तो बात ये कि दिन में भी हम तारे देख सकते हैं स्टेलारियम के हेल्प से। देन ऐसे और भी कुछ कुछ टूल्स हैं जो हम लोग मोबाइल वगैरह पे भी, आप लोगों ने हो सकता है कुछ लोगों के डाउनलोडेड होगा। सो स्टेलारियम इज ओपन सोर्स, इसलिए मैंने मेंशन किया है। और इसको एंड्रॉयड तो मेरे पास है मोबाइल फोन, तो उसमें मैंने डाउनलोड करके रखा है एंड आई यूज इट। देन सुटोरी इज अ प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन है वेबसाइट, जिसमें कि आप लेसन प्लान्स देख सकते हैं कि आप पर्टिकुलर लेसन को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ज्योग्राफी का जो भी चैप्टर है उसमें लेसन प्लान दिया रहता है। एंड देन यू हैव फ्लाइट रडार 24.com, इसमें लाइव जो पोजिशन है या लाइव ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक प्लेन का, एरोप्लेन का, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो जब हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये सब चीजें उसमें हम बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ पे पोर्ट्स हैं और कहाँ पे क्यों वहाँ पोर्ट बनाएं। क्योंकि ज्योग्राफी में, फिर से मैं इंसिस्ट करूंगी इस चीज को, कि प्लेस का, लोकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हम लोग टाइम को इग्नोर नहीं करते हैं, समय को, लेकिन हम लोग का काफी फोकस होता है लोकेशन पे, उस जगह पे। तो वहां पे ही पोर्ट, सॉरी एयरपोर्ट क्यों बना है और कितना ट्रैफिक आ रहा है वहां पे, ये सब कुछ हम इसमें लाइव लोकेशन हम देख सकते हैं। देन गूगल आर्ट्स एंड कल्चर है, इसमें भी बहुत सारी चीजें, क्विजेस, इसमें गेम्स वगैरह भी मिल जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एंड देन इसमें म्यूजियम्स के विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। इसमें टाइम लैप्स के वीडियोज, नहीं सॉरी, वो गूगल अर्थ में मिलते हैं। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर में आपको बहुत सारे प्लेसेस का आपको डिस्क्रिप्शन है, फोटोग्राफ्स हैं, कल्चरल, पर्टिकुलर कल्चर कहीं का, या ट्राइब्स के, यू नो, हाउ डू दे लिव, कैसे उनका जीवन कैसे है, ये सब कुछ आप इसमें दिखा सकते हैं गूगल आर्ट एंड कल्चर में। ऑलरेडी देयर, मतलब वो ऑलरेडी है, ई कंटेंट प्रेजेंट, आपको बस यूटिलाइज करना है उन चीजों को। देन अच्छा गूगल कार्डबोर्ड है, वो अब तो हाँ हालांकि बहुत रिन्यूज हो गए हैं वर्चुअल हाँ रियलिटी के, आपको सेट्स वगैरह मिल रहे हैं, बट गूगल कार्डबोर्ड ने सबसे पहले वो वर्चुअल रियलिटी का जो शुरुआत की थी, और बहुत ही कम रेट में, सिर्फ कार्डबोर्ड का ऐसा बॉक्स रहता है और उसमें फिर लेंस लगा होता है, मतलब आपने मोबाइल को रख के और उसमें आप वो वर्चुअल रियलिटी वाली फीलिंग आप उसमें डाल सकते हैं। देन यू हैव दिस अदर जेनरिक टूल्स, जो कि आप लोग ऑलरेडी आई थिंक डील कर चुके हैं इन चीजों से, जैसे ऑडेसिटी है, ओपन शॉट वीडियो एडिटर है, इजली है, कैनवा है, एनिमेशन टूल्स, ये सब आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो ये सब जो है टूल्स का यूज आप ज्योग्राफी का कंटेंट बनाने में आप उसको यूज कर सकते हैं। सो इंटरैक्टिव, जैसे इजली में बनते हैं, कैनवा में भी बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं ये चीजें, तो ये सब आप यूज कर सकते हैं बनाने के लिए, इंफोग्राफिक्स एंड ऑडियो वीडियो ज्योग्राफी के टॉपिक्स से रिलेटेड। देन यू हैव गेम्स, गेम्स भी बहुत, और क्विजेस जो हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं असेसमेंट के लिए स्पेशली, एंड एंजॉयबल फीलिंग देने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में। सो नेशनल ज्योग्राफी किड्स है, उसमें ज्योग्राफी के गेम्स होते हैं। जियो गेसर फ्री एंड ओपन सोर्स है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी प्लेसेस का स्पेशली स्ट्रीट व्यू वगैरह दिया रहता है, एंड वो सब आप दिखा सकते हैं, और उसमें गेम्स भी होते हैं, लॉग इन करना होता है। गूगल आर्ट एंड कल्चर में भी गेम्स होते हैं। देन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज दैट सॉन्ग्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स, ज्योग्राफी के सॉन्ग्स, तो इसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है मराइस एंड मिरांडा, इन लोगों ने बहुत पहले, मतलब यू नो एजेस पहले इन लोगों ने सॉन्ग्स बनाए थे, जैसे कि नेचर सॉन्ग्स, बैलेंस ऑफ नेचर, हाउ इज सिल्क मेड, पार्ट्स ऑफ अ ट्री, ये इन सब टॉपिक्स में ना सॉन्ग्स बने हुए हैं, वेरी बे ऐसे गिटार यूज करके और गाना गा के उन लोगों ने बनाया, बट वेरी नाइस, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यही क्यों, आप हमारे जो है ये सब सॉन्ग्स जो है आप भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे फोक सॉन्ग्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, या कल्चरल जो सेटअप है उसको एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, या प्लेसेस को एक्सप्लेनेशन रहता है। अब मैं जैसे आप लोगों को एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ,
उत्तराखंड में या कहीं भी हम लोग जब रोपनी का टाइम होता है, आप सब हिंदी स्पीकर बेल्ट के हैं, तो जब धान रोपने का जब समय होता है तो उस समय जब रोपती हैं तो महिलाएं उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, बिकॉज वो बहुत स्पेसिफिक, बहुत टीडियस काम होता है और बहुत उसमें हैंडलिंग बहुत वो होती है, तो इसलिए उसमें बहुत सारी महिलाएं भी जब रोपनी होती है उस समय वो भी इन्वॉल्व होती है और वो गाना गाती रहती हैं साथ में जब वो धान को रोप रही होती हैं। तो वो सब जो है उत्तराखंड में भी होता है, उसका जो सॉन्ग है वो बहुत फेमस है और उसको बॉल बॉल गीत कहते हैं उसको। वो हम बाकी और जगह भी होता है, तो ये सब चीजें जो है उसमें इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, जैसे एमपी में यू आल्हा आल्हा जो गाते हैं उसमें बहुत सारे कल्चरल सेटअप के बारे में, आल्हा उदल के बारे में जब बताते हैं तो उसमें बहुत सारे कल्चरल सेटअप जो स्टोरीज हैं या जो कल्चरल सेटअप है या जगहों के बारे में, उन सब के बारे में रेफरेंस रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉन्ग्स हैं हमारे, फोक सॉन्ग्स हैं हमारे लोकल जो रीजनल फोक सॉन्ग्स, उसमें ये सब चीजें बहुत मिल जाएंगी आपको, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और उनको गाना सुना सकते हैं। इसमें कोई वो ये बहुत हम लोग तो जब मैं जब मुझे याद आता है जब मैं छोटी थी हम लोग स्कूल में थे तो असेंबली के टाइम में सैटरडे को ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों को सुनाई जाती थी, तो उसमें हम लोगों ने भूपेन हजारिका का सबसे पहले मैंने वही सुना था, वो गंगा वाला जो गाना है, तो हम लोगों को एक्सप्लेन भी किया गया था कि क्यों उस गाने के बारे में ना और क्या है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो हम लोग अपने टीचिंग लर्निंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और चीजों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को जब यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो ग्रेजुएशन लेवल पे मैंने उन लोगों को असाइनमेंट देना था, तो मैंने उनको बोला कि आप लोग जो असाइनमेंट जो है, एक पेपर पढ़ा रही थी पॉलिटिकल साइंस से कुछ इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का, तो मैंने उनको बोला कि आप लोग जाओ और यहाँ पे दिल्ली में है प्रधानमंत्री संग्रहालय, उसमें जाओ और उसको विजिट करो, और उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था उन लोगों को और ये भी बोला था कि उन लोगों को कि आप वहाँ जाके और इन चीजों को देखो, बहुत अच्छा वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करके, आप लोग कभी दिल्ली आइए तो वहाँ जरूर विजिट कीजिएगा, पूरा इंडिया की हिस्ट्री उसमें बताई गई है और बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छे तरीके से वो सबको पोर्ट्रे किया हुआ है। तो मैंने ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह उन लोगों को बताया था और भी कुछ कुछ चीजें, तो मैंने उन लोगों को बोला कि तुम लोग वहां जाओ और कुछ क्वेश्चन दे दिया, और मैंने कहा कि अपनी फोटो भी चिपकानी है उस असाइनमेंट में, फोटो क्लिक करते ही आजकल सब लोग, तो मैंने कहा कि फोटो क्लिक करके अपनी फोटो चिपकानी है असाइनमेंट में, और उससे रिलेटेड मैंने उन लोगों को कुछ असाइनमेंट दिया कुछ क्वेश्चन, और फिर बोला कि और अपनी साथ में अपनी फोटो चिपकाओ और फिर असाइनमेंट सबमिट। तो वो उन्होंने मैंने उनको 1 महीने का टाइम दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर के हैं तो उनको परमिशन लेनी होती है, हॉस्टल में रहते हैं तो जाने के लिए, और उन लोगों ने दिया है मुझे असाइनमेंट सबमिट करके, हम सब विजिट करके आए वहां पे और उन्होंने देखा और उन्होंने सब टेक्नोलॉजी का यूज करके टॉपिक को और किया है। तो इस तरीके से हम लोग उन चीजों को इनकलकेट करते हैं आईसीटी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब क्विकली मैं थोड़ा सा आप लोगों को वो दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट में दिखा देती हूँ जो भी टूल्स मैंने अभी इसमें वो किए हैं, शो किए हैं मैंने आप लोगों को। भुवन जो आप खोलेंगे, BHUVN भुवन, हो सकता है आप लोगों ने, कई लोगों ने इसको यूज भी किया हो, तो भुवन एज अ प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि ज्योग्राफी के लिए और बहुत सारे इसमें डिटेल्स, मतलब वन स्टॉप है ये चीजों के लिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर ज्योग्राफी बट बहुत और भी एनवायरमेंटल साइंसेस और सेंसेस वगैरह का भी डेटा इसमें दिया है, और आप इसमें मैप बना सकते हैं और ऑलरेडी मैप बने हुए भी हैं यहाँ पे, तो इसमें मिल जाएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा बस एक्सप्लोर करना है, समय रहा तो मैं आप लोगों को खोल के भी दिखा दूंगी ये। एंड देन उसमें भुवन में फिर ये स्लाइडर है, उसमें जैसे ये फर्स्ट आप खोलेंगे तो यहाँ पे
स्लाइडर्स आपको दिखाई देंगे। सो ये जो स्लाइडर है इसमें ई गवर्नेंस, टूरिज्म, अर्बन रूरल, ये सब बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं इसमें। ये आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन फ्यू और इसमें मैप और भी जो ओजीटी सर्विसेज में थीमेटिक सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज, क्रिएट अ मैप, देन यू ऑल्सो हैव दिस भुवन सेंट्रल एप्लीकेशन में बहुत सारे आप क्लिक स्टेट वाइज एप्लीकेशन ये सब कुछ है इसमें। आपको बस क्लिक करके और देखना, आप क्लिक करेंगे तो एक नया इसमें वो अलग से टैब खुल जाएगा और उसमें आप देख सकते हैं इन चीजों को। और इजी टू वर्कआउट है, आपको इसको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, सो आप आराम से इसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन मार्बल केडी जैसे मैंने बताया ये ओपन सोर्स है, इसमें जैसे ये आएगा आप जब मार्बल केडी ट्राई टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा, इंस्टॉल कर सकते हैं आप सारे लिनक्स में, देन एंड्रॉयड में, एप्पल में, सब में आप आईफोन मतलब वो सब सब में आप कर सकते हैं, आईफोन आईफोन सब में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके जो फीचर्स हैं ये सारे देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये सारे फीचर्स हैं। एटलस है, ओपन सीट मैप है, सैटेलाइट व्यू है, बेहम ग्लोब, ये मतलब इसमें ना बेहम ग्लोब जो है 1492 में कैसा वर्ल्ड दिखता था वो इसमें दिखा है। तो ऑलरेडी इसमें भी क्रिएटेड आपको मैप भी मिल जाएंगे और ये ग्लोब के फॉर्म है, आप जिस तरीके से देखना दिखाना चाहें। देन अर्थ एट नाइट हिस्टोरिकल मैप 1689 का, हम लोग हिस्टोरिकल कुछ कुछ चीजें पढ़ाते हैं तो आप इसमें दिखा सकते हैं। प्लेन मैप है, पॉलिटिकल मैप है, ये सारे बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। और इसमें जब आप क्लिक करेंगे ना तो जब आप खोलेंगे तो इसमें किनारे किनारे ना एक एनवेलोप सा बना हुआ भी दिखाई देता है अर्थ के, तो वो आप समझा सकते हैं उनको कि यही हमारा एटमोस्फेयर जो है वो ऐसे दिखता है, ऐसे एनवेलप सराउंड करता है हमारे पृथ्वी को। और इसमें 3D व्यू भी है, आप जूम जूम आउट करके दिखा सकते हैं। देन वी हैव दिस गूगल अर्थ है, और आप जब खोलेंगे गूगल अर्थ को तो ऐसे ही उसमें खुलेगा। ये मैंने अपने जीमेल आईडी से लॉग इन किया हुआ है इसमें, तो इसीलिए आपको ये इसमें ये दिखा रहा है मेरा ईमेल आईडी। और ऐसे आप भी करके उसमें और भी आप चीजें एक्सप्लोर, आप लॉग इन कर लेंगे तो आप बहुत सारी और फीचर्स इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें जैसे ये फीचर्स हैं, इसमें सर्च है, वॉयजर है, प्रोजेक्ट्स है, मैप स्टाइल है, फोटोग्राफ, ये ऑलरेडी इसमें जैसे मैं कह रही थी ना तो ऑलरेडी ई कंटेंट है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। देन जैसे वॉयजर मैंने कहा वो एक फीचर है, उस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए वॉयजर है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, नेचर, गेम्स, लेयर, स्ट्रीट व्यू, कल्चर, ट्रैवल, एजुकेशन, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें ऑलरेडी पिक्चर्स हैं जैसे आपको दिख भी रहे होंगे, 3D इमेजरी इन गूगल अर्थ, टाइम लैप्स इन गूगल अर्थ, की वाटर कैसे का वाटर बॉडी कैसे कम छोटा होता चला गया, सूखता चला गया, ये सब दिखाई देगा। योसेमाइट नेशनल पार्क के बारे में ये सब जो एग्जाम्पल आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें, नेचर में जाएंगे तो या गेम्स में भी गेम्स खेलने को मिल जाएगा, स्ट्रीट व्यू में आपको स्ट्रीट लेवल तक आपको दिखाई देगा कि जैसे आप चल रहे हैं तो इधर बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है, स्ट्रीट है, वैसे वो सब कुछ दिखाई देगा। कल्चर के बारे में, ट्रैवल जगहों के बारे में इसमें होगा, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ये QGIS है, इसमें भी आप वैसे 3D देख सकते हैं, आप जूम इन जूम आउट मैप बना सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ये सब, ये भी एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देन ट्रॉफी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑनलाइन लाइब्रेरी टाइप की आप फोटोग्राफ्स इसमें सेव कर सकते हैं। windy.com में ऐसा दिखता है, उसमें आपको व्हाइट व्हाइट जैसे मार्क्स दिखाई देंगे, वो विंड ब्लो कर रही है तो अलग अलग डायरेक्शन में ये दिखता है। स्टेलारियम जब आप खोलेंगे ऐसा आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सुटोरी है, इसमें कोलाबरेटिव लर्निंग का जैसे एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको मिलता है, आपको बहुत सारे लेसन प्लान्स मिल जाएंगे, आप भी इसमें शेयर कर सकते हैं कैसे, हाउ टू गो अबाउट उस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है। देन फ्लाइट रडार 24.com मैंने बताया था, ये जो आपको येलो जो दिखाई दे रहे हैं ना ये सारे फ्लाइट्स हैं, और कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ कैसा है ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। देखिए यूरोपियन कंट्रीज में कितना ज्यादा डेंसली फ्लाइट का ट्रैफिक कितना ज्यादा है, अफ्रीकन कंट्री में उस समय जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था तब का है ये, देन अफ्रीकन कंट्रीज में कितना कम है, साउथ अफ्रीका में कोस्टल एरिया में देखिए जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं वहां पे ज्यादा है, USA में कितना ज्यादा है, ऑल दी थिंग्स आ गया, तो ये सब कुछ दिखाता है इसमें। गूगल आर्ट एंड कल्चर, मैं बता रही थी इसको।
उसमें ये सब फीचर्स हैं। आप यहाँ पे जो गूगल अपना जीमेल अकाउंट खोलेंगे तो ये जो डॉट्स बने वो आते हैं 9 डॉट, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा आपको ना नीचे एक ऐसे छोटा सा विंडो खुलेगा, उसमें ढेर सारा आप स्क्रोल करेंगे तो ढेर सारा आप इसमें आ जाएगा। उसमें गूगल आर्ट एंड कल्चर है। अब इसका ना लोगो थोड़ा सा बदल गया है, वो थोड़ा एंड जैसा दिखता है, वो जब प्लेटफॉर्म में जब एंड लिखते हैं ना ऐसे ऐसे वाला, वैसा थोड़ा सा दिखता है। रिसेंटली अभी मैंने देखा कि वो चेंज कर दिया है इन लोगों ने, तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको उसमें दिख जाएंगी। देन ये गूगल कार्डबोर्ड है, उसमें उसका आप डाउनलोड कर इसमें आप देखेंगे तो ये सब फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ये गूगल का ही है। तो अभी जो हमने देखा ये ना, इसमें इसमें जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये सब आएंगे और साथ में आपको ये चीजें भी, ये सब भी दिख जाएंगे आपको उसमें। देन नेशनल ज्योग्राफिक किड्स के मैं बारे में बात करी थी, उसमें देखिए ये सब ऑप्शंस आता है गेम, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे जियो गेचर है, ये जियो गेचर और इस तरह से दिखता है, उसमें आप देख सकते हैं। देन गूगल आर्ट एंड कल्चर में आप जाएंगे तो उसमें प्ले करके होम पे भी आएगा और प्ले में भी आपको ये पिक एनी गेम टू प्ले, में बहुत सारे गेम्स हैं जो कि आप इसमें वो कर सकते हैं। अभी और भी कुछ कुछ मैं देख रही थी, क्रॉसवर्ड्स या कुछ प्लेसेस से रिलेटेड भी गेम्स हैं इसमें, एंड दीज आर सम ऑफ द रेफरेंसेस। तो ये जो था ये मैं जनरली आपको बताना चाहती थी। अब ये जो है वी हैव सम टाइम, तो मैं क्या करूंगी कि आपको मैं थोड़ा सा वो दिखाना चाहूंगी, थोड़ा सा ये टूल्स मैं खोल के। इस बीच आप लोगों के कोई कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, जब तक मैं कुछ खोल रही हूँ तब तक। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन। एक स्काई व्यू ऐप भी है, स्काई हाँ सर, व्यू ऐप है जिसमें हम लोकेशन देख सकते हैं इसकी, जो हमारे प्लेनेट है उनकी, और जो हमारी आईएसएस है, डबल अच्छा लास्ट सेकेंड स्काई स्लाइड, ओके ओके ठीक है, व्यू। ओके आई जस्ट शो यू द लास्ट स्लाइड। दीज आर सम ऑफ द रेफरेंसेस दैट आई हैव, आई थिंक दैट विल बी शेयर्ड विद यू आल्सो, द प्रेजेंटेशन विल बी अवेलेबल विद यू। हाँ ये तो स्लाइड्स हैं। ठीक है, ये कुछ ना मैंने इसमें रेफरेंस में डाला हुआ है, जो एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है एनसीईआरटी का, उसमें ये ना इनके वो है सेशंस है, ऑनलाइन सेशंस है कि मार्बल जो केडी मैंने एक्सप्लेन किया टूल, उसको हाउ टू यूज इट, मतलब क्या क्या फीचर्स उसमें है और क्या यूज कर सकते हैं, उसका इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन है। देन गूगल अर्थ का हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन है कि गूगल अर्थ में कैसे यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। देन क्यूजीआईएस का इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन है, और एक नाविक का है। एक्चुअली भुवन पोर्टल जो है उससे कनेक्टेड है, एक इंडिया ने खुद का अपना जीपीएस ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब हम लोग जीपीएस यूज बोलते हैं लेकिन दैट इज जीपीएस जो है वो अमेरिका का बना, यूएसए ने बनाया था अपने मिलिट्री आर्मी के लिए और उन सब के लिए। वो जो है वो उनका है, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज यूएसए का, उनका प्रोप्राइटरी है उसका, वी यूज इट। और गूगल वगैरह में भी जितना है वो सब वही, गूगल मैप वगैरह में भी वही यूज होता है, बट इंडिया ने अपना एक इंडिजिनस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या पोजिशनिंग सिस्टम कह लीजिए वो इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज नाविक। और वो जो या नाविक जो भी कह लीजिए, और वो भुवन से कनेक्टेड है, भुवन चूंकि इंडिया का इंडिजिनस है तो वो उससे कनेक्टेड, उससे जितना डेटा भुवन में है वो सारा नाविक जो है नेविगेशन वगैरह नाविक उसी से लेता है। नाविक इज स्पेशली अभी फॉर आई थिंक इट्स नॉट ओपन फॉर पब्लिक एट अ लार्ज स्केल, वो सिर्फ जो नेविगेटर्स हैं और जो सेलर्स हैं उनके लिए कोस्टल एरियाज में, उनके लिए ये यू अभी यूज होता है। बट उसका भी एक आपको वीडियो मिल जाएगा कि क्या है वो, अगर कोई और जानना चाहता है, थोड़े कुछ टाइम में हो सकता है दैट ये ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए ये ऐप जो है नाविक। देन ये है कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जो कर सकते हैं आप रेफर, और अभी जो नया जो एनसीएफ जो बन के आ गया है वो भी आप उसमें रेफर उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी चीजें दी हुई है इनफैक्ट और थोड़े अच्छे तरीके से, बिकॉज अब
आईसीटी को काफी एनईपी में भी, एनईपी 2020 में भी काफी ज्यादा इंसिस्ट किया गया है यूज ऑफ आईसीटी, तो ये आप लोग कर सकते हैं रेफर। तो ये जब आपको शेयर होगा तो आप उसमें भी देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन विल बी अवेलेबल विद यू। आई एम जस्ट क्लोजिंग, मैं जस्ट को बंद कर रही हूँ, और मैं कुछ और भी है। हेलो, हेलो, हाँ सर बताइए। गूगल कार्डबोर्ड पर थोड़ा सा और बताएंगे, ये गूगल अच्छा कार्डबोर्ड सर, है। गूगल कार्डबोर्ड वो जो है वो वर्चुअल रियलिटी के लिए यूज होता है, कि वर्चुअली हमको ऐसा फील होगा कि हम वर्चुअली उन चीजों को देख रहे हैं। गूगल कार्डबोर्ड जो है अब बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बिकॉज अब हम लोगों का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, तो वो वर्चुअल रियलिटी ऐसे जो सेट्स है ना, वो ऐसे हेडसेट्स वो आते हैं, और अब वो काफी चीप में भी, मतलब कम कम पैसे में भी मिल जाते हैं। पहले बहुत कॉस्टली आता था और इतना कॉमन भी नहीं था, तो अब वो हेडसेट्स आते हैं तो उसमें ही वो आ जाता है गूगल कार्डबोर्ड। एक्चुअली इसलिए मैं इसमें बताती हूँ कि आप जानना भी जरूरी है हमें, कि सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी को इस लेवल पे कि एक्सेसिबल, की कोई कॉमन पर्सन यूज कर सके, वो गूगल कार्डबोर्ड के ही थ्रू आया था। तो उसमें क्या होता है ना, कार्डबोर्ड का एक बॉक्स होता है, और कार्डबोर्ड का एक बॉक्स होता है और उसमें ऐसे कुछ बनाया लेंस वगैरह लगा होता है, जिसमें कि आप अपना मोबाइल जो है आप उसको उसमें डाल सकते हैं ऐसे करके, और वो ऐसे वो एक फ्रेम टाइप का होता है गूगल कार्डबोर्ड का बना हुआ, जो कार्डबोर्ड का बना हुआ एक फ्रेम होता है, और वो परचेज करने से आ जाता है, और उसमें आप ये अपना मोबाइल डाल दीजिए, और वो ऐसे लेंस ऐसे लगा होता है कि उसके रिफ्लेक्शन से आपको लगेगा कि वो एक्चुअली वो 3D वाली फीलिंग आती है उसमें। तो ये सबसे पहला एफर्ट था वर्चुअल रियलिटी को मासेस तक पहुंचाने का, इसलिए मैं इसको बताती हूँ सबको कि हमें पता होना चाहिए। अब तो खैर मेरे ख्याल से 450 में भी एक हेडसेट आता है वो वर्चुअल रियलिटी वाला, उसमें आप ई कंटेंट डाल के वर्चुअल रियलिटी 3D वाला, और जी उससे मैम, आप देख सकते हैं, तो आपको लगेगा कि अच्छा आप वहां, जैसे अब वो नेहरू प्लानिटोरियम में तारा मंडल वगैरह कहीं होते हैं, यहाँ भी दिल्ली में है तो आप लोग कभी विजिट किया होगा आप लोगों ने, तो उसमें भी ये जो फीलिंग आती थी ना कि एकदम से हमारे सामने आ गया। या हम लोग जब स्कूल में थे तो मुझे याद है छोटा भीम या कोई जैसी पिक्चर, नहीं छोटा भीम नहीं, कुछ ऐसे पिक्चर आई थी जिसमें 3D वो हम लोग चश्मा लगा के देखते थे, लगता था एकदम हमारे पास आ गया। तो एक्चुअली वैसी ही फीलिंग कंटिन्यूअसली इसमें आती है 3D टाइप की, और लगा कि आप वहीं पे उसी जगह पे आप पहुंचे हुए। तारा मंडल वगैरह में भी ये सब फीलिंग जो है ये वर्चुअल रियलिटी उन सब में होता था। और आजकल आप मॉल्स वगैरह में कभी जाइए तो 5D 7D करके ऐसे कुछ कुछ होते हैं, उसमें आप ऐसे चेयर होता है बड़ा सा, उस पर आप बैठिए, बेल्ट वेल्ट लगा दिया जाता है, और आपको ऐसे एक हेडसेट दिया जाता है, और उसमें कुछ कुछ चलता रहता है और आप हिलते भी रहते हैं, तो आपको वो फीलिंग आती है कि वो आप एक्चुअली उसमें घुसे हुए हैं। तो वो एक्चुअली वर्चुअल रियलिटी का गूगल कार्डबोर्ड जो है वो पहला मतलब एफर्ट था कि वर्चुअल रियलिटी को कॉमन ह्यूमन बींग तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का। तो उसमें बस वही एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए आपको, और हेडसेट वो कार्डबोर्ड वाला मंगवा लीजिए, पर आपको इतना एफर्ट नहीं करता, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया कि कम पैसों 1000 के अंदर में भी मिल जाता है वो हेडसेट जो है, और उसमें आप कंटेंट डाल के और आप देख सकते हैं। अच्छा मैं भुवन बता रही थी, ये है भुवन का तो ऐसे ही गेम है, वीडियो प्लेटफॉर्म फॉर। ठीक है, आई अग्री। और ये देखिए, ये इसमें जो है 3D फॉर्म में ये पूरा आपको दिखा रहा है सैटेलाइट का वो करके, ठीक है। इसमें ये मैप मैंने डायरेक्टली वो खोला है, मैप वाला 3D व्यू कुछ चाहिए हमें, सैटेलाइट व्यू। ये वेक्टर मैप है, सिंपल मैप आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट मैप हो गया, ये हाइब्रिड मैप है, ये टेरेन मैप है, इस पर क्लिक कर दिया तो ये टेरेन का दिखा रहा है,
देन हाइड्रोलॉजी का देखेंगे तो ये दिखा रहा है पूरा जितने फीचर्स हैं वो सब कुछ इसमें दिख रहे हैं। आप इसमें से लेयर्स वगैरह डाल के मैप भी बना सकते हैं, देन उसके बाद जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, इसमें सारे जो वाटर बॉडीज हैं वो इसमें दिखाए जा रहे हैं। देन इज देयर सम मैसेज, ट्रेडिशनल वीआर बॉक्स, यस यस एक्चुअली दैट इज गूगल कार्डबोर्ड इज। एंड देन व्हाट वी हैव, आई विल गो बैक। ठीक है, ये सिर्फ मैप वाला आ गया, मैं आपको पूरा वो दिखाती हूँ जो मैंने आप, हाँ जो स्क्रीनशॉट आपको जो दिखाया था मैंने। ठीक है, ये मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा रही थी कि इट्स अ इंडियन जियो प्लेटफॉर्म ऑफ इसरो, होम पेज पे है ये। देन उसके बाद फिर दिस इज द, दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स, 2D 3D भुवन लाइट ओपन डेटा। इसमें आपको डेटा बहुत सारा मिल जाएगा, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का जितना डेटा है वो इसमें मिल जाएगा। एंड देन ये अलग से नया एक खुल जाता है इसमें। ठीक है, आप इनमें से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, मैप भी बना सकते हैं, ये सब कुछ आपका। मैंने इस पर क्लिक कर दिया था एक्चुअली इस पर। देन यू हैव दिस स्लाइडर जो मैं कह रही थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा, वाटर से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, देन ई गवर्नेंस है, देन टूरिज्म है। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें, टूरिज्म पे मैंने क्लिक किया, आर्कियोलॉजी पे, और इसमें देखिए ये जितने ASI से अप्रूव जो है सारे पॉइंट इस आपको इसमें दिखाई देंगे। आप स्टेट वाइज इसमें चूज भी कर सकते हैं, और सपोज मैं कर रही हूँ बिहार, ठीक है, बिहार में आपको सारा दिखा रहा है जो ASI से रिकॉग्नाइज्ड है, पटना सर्कल, ठीक है, ये सब कुछ इसमें दिख जाएगा। मैं जूम करके और इसको देख सकती हूँ, और इसमें सपोज मैंने इस पर क्लिक किया तो आपका नेटवर्क अगर ठीक है, स्ट्रांग है, तो जल्दी से इसमें खुल जाएगा। जैसे मेरा नहीं है, मैं जान रही हूँ, तो इसमें ये नहीं खुल रहा है। इस ट्राइंगल पे आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स खुलता है यहाँ पे, और उसमें नेम ऑफ द साइट है, नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट है, और उसमें उसके बारे में थोड़ा सा, और एक फोटोग्राफ उसमें रहता है। ठीक है, तो ये जब टूरिज्म वगैरह हम पढ़ रहे हैं, टूरिज्म ज्योग्राफी वगैरह, टूरिज्म वाला पेपर पे कुछ पढ़ा रहे हैं टॉपिक, तो हम इन सबको दिखा सकते हैं। और कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे आसपास इतना इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस बन सकता है या कुछ है, और हमें पता भी नहीं होता। एक बार ऐसे ही मैं ऐसे ही कुछ टीचर्स को ट्रेन करी, तो उन्होंने बोला हमें तो पता ही नहीं था, नॉर्थ ईस्ट के थे वो लोग, तो उन्होंने कहा मैम हमें तो पता ही नहीं था कि ये मॉन्यूमेंट भी हमारे लोकेलिटी में है, मैं हम लोग वापस जाएंगे और अभी अपने स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे। सो इससे बहुत सारी और भी चीजें से पता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। उसको मैंने बंद कर दिया। अब इसमें और भी जो है, थीमेटिक सर्विस है, ओशन सर्विस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, क्रिएटर मैप है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स है उन सबका डेटा है, देन स्पेशल एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें इसमें, स्टेट वाइज एप्लीकेशन भी हैं, ये सब कुछ इसमें है। इट्स वन स्टॉप फॉर सो मेनी थिंग्स। देन उसके बाद फिर वी हैव दिस, मैं आपको क्विकली थोड़ा बहुत, आप बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे अगर किसी को पूछना है तो। windy.com मैं दिखा देती हूँ एक बार। हाँ ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा है ये सारे जो व्हाइट व्हाइट आपको मूविंग लाइंस दिख रहे हैं, ये सारे हैं विंड्स, विंड्स मूव कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे अभी है मॉनसून सीजन चल रहा है यहाँ पे, वार्म क्लाइमेट इंडिया का ही खुल गया देखिए, और हम सब मॉनसून पढ़ाते हैं और बताते हैं कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स पे, तो वो ITCZ जो है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, और वो ट्रफ एक तरह के वो अट्रैक्ट करता है विंड्स को अपने तरफ, लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड है, सो विंड जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में आती है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी दिल्ली NCR में सुबह भी बारिश हुई थी, है ना, स्टूडेंट्स लेट से भी आए हमारे, ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें दिख रहा है कि ये कैसे एंटी क्लॉक, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड घूमती हुई और कन्वर्ज हो रही है, बिकॉज ये लो प्रेशर एरिया है, राइट, और हाई प्रेशर एरिया यहाँ पे है
ओशन एयर से, तो वहां से ये जो हमारा है मॉनसून विंड जो है, ये एक तरफ तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जा रहा है और ये अरेबियन सी ब्रांच, ये सब हम लोग पढ़ाते हैं राइट। तो अब अगर आप ऐसे कि इस डायरेक्शन में, तो ये अगर आप ऐसे खोल के तुम इसको दिखाएंगे तो हम 100% श्योर उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और उनको इंटरेस्ट भी आएगा इन चीजों में। सो देखिए कैसे यहाँ से अगले बाइफरकेट होती। हाँ सर, पास अच्छा, रखते तो कैसे बाइफरकेट होके दो ब्रांचेस जो है मॉनसून विंड की, वो एक अरेबियन सी ब्रांच, देखिए इधर आके मोस्ट ऑफ द इंडियन इंडिया में सी से बारिश होती है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से कहीं कहीं पे बारिश होती है, ठीक है। वो जब ऐसे फिर मुड़ता है और उसके बाद फिर इधर नदन प्लेन्स में ईस्टर्न साइड में बारिश होती है। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है उनको दिखाने का, रियल टाइम अभी जो चल रहा है वो आप इसमें दिखा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाँ मैडम मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, क्या तो हाँ सर बताइए। तो ये है, देन अगर हम देखें टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर पे क्लिक करती हूँ तो वर्ल्ड का टेम्परेचर ऑल ओवर द अर्थ का ये दिखा रहा है, ठीक मैडम? है। यस सर, इट कम्स, इट गिव्स अस अ रियल टाइम पिक्चर. यस सर, रियल टाइम अभी का जो दिख रहा है, ठीक ओके है। ओके मैडम, थैंक यू मैडम. इसको जूम, यहाँ से जूम कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो अगर मैं छोटा करूं तो अभी देखिए ये देखिए, ठीक है। ये जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर, थोड़ा नेटवर्क का थोड़ी सी दिक्कत है मुझे, ठीक है। हाँ सो ये देखिए, जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि समर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इक्वेटर के आसपास इट्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और ये सब कुछ, तो हमें कितने अच्छे से इसमें दिख रहा है। ये डार्क रेड जो दिख रहा है वो यहाँ पे देखिए लेजेंड है, 40 डिग्री एंड अबव, तो जितना डार्क रेड जैसा होगा, ब्राउन जैसा, वो मतलब ही वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है। एंड देन ये जैसे जैसे हम टेम्परेचर जहाँ जहाँ पे कम है वहाँ पे वो ब्लू और ऐसे ब्लू और पर्पल, जहाँ पे बहुत ठंड है वहाँ पे दिख रहा है। तो हम बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नदन हमें इक्वेटोरियल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वहां पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, विंड्स जो है सदर्न हेमिस्फीयर से ऐसे डिफ्लेक्ट होके इक्वेटर क्रॉस करके डिफ्लेक्ट होती हैं, ये सब हम पढ़ाते हैं ना कोरियोलिस फोर्स और ये सब से। एंड देन विंड्स कैसे ब्लो कर रही है, लो प्रेशर एरिया है तो वहां पे कन्वर्ज कर रही है। देन यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है, हाई माउंटेन्स है, तो डिस्पाइट कि ये सब ट्रॉपिकल जोन में है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ का लो है बिकॉज ये हाइट पे ऑल्टीट्यूड चेंज, यू नो ऑल्टीट्यूड से कैसे टेम्परेचर चेंज होता है, ये सब कुछ हम पढ़ाते हैं, ये सब कुछ हम आराम से उनको दिखा सकते हैं, दिस इज रियल टाइम, ठीक है। और कहीं पे जैसे कि मैं बहुत अच्छे से हम लोगों को, जैसे मैंने खोला दिख गया इंडिया का यहाँ पे नदन प्लेन्स में कि कैसा बारिश हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है राइट। तो ये बहुत अच्छे, कहीं पे साइक्लोन मैं ढूंढ रही हूँ कि कहीं पे साइक्लोन है क्या, यहाँ भी देखिए कन्वर्जेंस हो रहा है, देखिए हाई प्रेशर एरिया यहाँ से बाहर की ओर जा रही है। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली बाय ओपनिंग, तो उनको ना इंटरेस्ट भी आएगा, वो भी बोरिंग बोरिंग नहीं है, वरना मॉनसून वगैरह टॉपिक समझने में बहुत टाइम लगता है। एंड आई कैन टेल यू, आई कैन शेयर दिस विद माई ओन एक्सपीरियंस कि इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए यहाँ पे ब्लू है बिकॉज अंटार्क्टिका का ये एरिया है, सो इट्स ऑल ब्लू ब्लू, जहाँ ज्यादा टेम्परेचर कम है वहाँ पर्पल सा दिख रहा है राइट। सो इट इज अ वेरी नाइस वे ऑफ शोइंग द थिंग्स दैट वी एक्सप्लेन, एंड ज्योग्राफी की ब्यूटी यही है कि उसमें हम जो दिखता है वो हम जो हम पढ़ते हैं वो हम दिखा भी सकते हैं राइट। मे बी इन 5 मोर मिनट्स वी विल बी शिफ्टेड टू द मेन रूम, सो क्विकली मैं सिलैरियम सिलैरियम हेलो मैम, हेलो. दिखा रहे हैं जी। यस सर, उसमें हम बादल भी देख सकते हैं क्या जी? क्या सर, बादल हाँ हाँ बादल सर देख क्लाउड. सकते हैं उसमें, हाँ देख क्लाउड्स का ना वो साइड में जो था ना जहाँ पे मैं क्लिक करती टेम्परेचर के लिए, उसमें ना हाँ आप जी, क्लाउड्स पे क्लिक करेंगे, क्लाउड्स टाइप का कुछ होगा उसमें, वो उस पे क्लिक करेंगे ना तो उसमें क्लाउड्स भी आप देख सकते हैं। मैंने सेलेरियम वो किया
and I'm थैंक यू। क्लिकिंग ऑन स्टेलारियम. दिस इज स्टेलारियम. हियर यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हियर. यू कैन डाउनलोड इट. आई एम यूजिंग दिस लास्ट वन स्टेलारियम वेब, ठीक है, जो कि मुझे अभी ऑनलाइन में देख सकती हूँ. तो दिस यूजेस कुकीज एंड ठीक है. आई से आई अग्री, ठीक है, एल से आई अग्री टू यूज द कुकीज. इट इज आस्किंग स्टेलारियम वेब डॉट ओआरजी वांट्स टू नो योर लोकेशन. आई विल से आई एम अलाउइंग इट, ठीक है, सो दैट मैं यहाँ का नोएडा में जैसे मैं बैठी हूँ सेक्टर 125 में, तो यहाँ का मैं रियल टाइम, ये देखिए आसमान में क्या है सिनारियो, ये मैं देख सकती हूँ. द हेवनली बॉडी बहुत सुंदर लगता है ये देखने में. और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अभी दिन में भी तारे हम दिखा सकते हैं, इट्स अच्छा मुहावरा है ना, दिन में तारे देखना, तो वो हम एक्चुअली इसमें देख सकते हैं. मैं इसमें ये ऐसे खुल के आएगा, आप इसको मूव कर सकते हैं और ये वर्चुअल फील देता है एक्चुअली कि मैं कहाँ हूँ. और ये देखिए ये है कॉन्स्टेलेशंस. वो कॉन्स्टेलेशन हम पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट्स को. हाँ, ये कॉन्स्टेलेशन दिखा रहा है जो हम सप्तऋषि और सब जो पढ़ाते हैं. तो कॉन्स्टेलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं भूल गई, कोई मुझे बताए कॉन्स्टेलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? राशि राशि धूमकेतु मैम, धूमकेतु. धूमकेतु नहीं, धूमकेतु नक्षत्र नहीं कहते हैं मैम, राशि राशि नक्षत्र राशि नहीं कुछ और. राशि अच्छा हाँ, मुझे नक्षत्र ध्यान नक्षत्र नहीं आ रहा है. हाँ क्या नक्षत्र वो क्या मंडल नक्षत्र, मंडल अच्छा तारा मंडल, हाँ मंडल मैडम मंडल, तारा, तारा हाँ मंडल मंडल, हाँ शायद कहते हैं. तो उसमें यस जैसे सब ऋषि होते हैं सप्तऋषि इज मतलब वन ऑफ दैट हाँ, उर्षा मेजर, उर्षा माइनर और ये सब कुछ जो होता है वो हम पढ़ाते हैं कि वो कुछ तारे जो हैं मिल करके कोई शेप बनाते हैं, राइट. तो वो हम मेरा नेटवर्क थोड़ा सा वीक है इसलिए मैं इजिली इसको फ्रीली मूव नहीं कर पा रही हूँ और टक टक के चल रहा है. आप कर सकते हैं तो. और ये सारे आपको ये देखिए, ये सैटेलाइट्स मूव हो रहे हैं, ये देखिए चलते हुए दिख रहे हैं ना दो डॉट्स मूव होते हुए. ये यहाँ पे अभी ऊपर में सैटेलाइट जो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको बंद करती हूँ तब दिखेगा, ये मैडम देखिए. दिस अगेन इज ऑन लाइव लोकेशन ओनली हाँ दिस इज लाइव सर, ये देखिए दिस इज ओके फिर व्हाट इज दिस वी हैव, आई के नॉट सी दिस, माई नेटवर्क इज लिटिल वीक. इस पे क्लिक करने पे ना वो बताता है कि व्हाट इज दिस एवरीथिंग यू कैन मेक आउट. ये कुछ मूव कर रहा है, ये देखिए सैटेलाइट्स वगैरह कुछ यहाँ भी मूव कर रहे हैं कुछ, या कुछ उनका मूवमेंट चल रहा है. ये देखिए मून है यहाँ पे, ठीक है. और दिस ये आई जो एस भी आपको, हाँ ये जो भी मूव, ये जो भी आपको दिख रहा है ये सब पे आप क्लिक करेंगे ना, माई नेटवर्क इज लो, तो ये दिखने, वरना भी मैं इस पे एरो मतलब कर्सर पॉइंट करूँ करने से उसमें बता देता है छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन. आप अपने वाले में खोल के देखेंगे तो यू कैन सी दैट. निधि मैम. हाँ हाँ बस मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि हमारा ब्रेकआउट रूम बस 2 मिनट में क्लोज हो ठीक है जाएगा. ठीक तो है ठीक है, हाँ ओके 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 ठीक है. ये दिस इज ISS, दिस इज सैटेलाइट, ये मूव कर रहा है. देन क्विकली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दिस इज कॉन्स्टेलेशन आर्ट. हमारा कॉन्स्टेलेशन था ये जो मैंने किया था, उसको आर्ट के फॉर्म में दिखा रहा है. वो सिग्निफाई कर रहा है, वो ह्यूमन फिगर या एनिमल का फिगर, वैसे ही हम आइडेंटिफाई भी करते हैं. देन दिस इज एटमोसफेयर, जब हम उसको करेंगे क्लिक तो एटमोसफेयर दिखाएगा. ये देखिए गैलेक्सीज वगैरह इसमें दिखा रहा है, मैंने इसको अनक्लिक किया. देन लैंडस्केप दिखाएगा, इसमें अलग तरीके से दिखाएगा. मेरा वही वीक है अभी थोड़ा यहाँ पे, वो सारे यहाँ पे फीचर्स दिखा रहा है. मैं क्विकली वो करूंगी. ये वो है हमारे प्रोजेक्शंस हैं एज ए मुथल इक्विटोरियल ग्रिड, ये सब हम पढ़ाते हैं उन लोगों स्टूडेंट्स को. देन डीप स्काई सब ऑब्जेक्ट्स हैं तो बहुत दूर हैं, इन पे भी क्लिक करने से ना आपको ये दिखाई दे जाएगा कि क्या है. मेरा अभी दिखा नहीं रहा तो ये सब दिखता है. देन वी हैव नाइट मोड. नाइट मोड में एक्चुअली जब हम रात में एक्चुअली जब स्टार गेजिंग करते हैं या स्पेस हम देखने की कोशिश करते हैं तो आंखें हमारी ना लाइट से वो हो जाती हैं, तो इसलिए ये नाइट मोड में रहता है ताकि हम मोबाइल पे या किसी चीज पे देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लाइट ना आए, और फिर हम जब फ्री आईज से, हम नेकेड आईज से जब देख रहे हैं स्काई में तो हम देख सकें, इसलिए ये नाइट में बहुत लाइट इसमें नहीं आती, तो नाइट मोड उसके लिए यूज होता है. सो दिस वॉज स्टेलारियम.
तो क्योंकि खुद ही मैंने आप लोगों को कुछ कुछ दिखा दिया है, अब हम ब्रेकआउट रूम से वापस जाएंगे 10 सेकेंड्स में उस रूम में, सो वी विल हैव टू स्टॉप एनी वे। सो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। प्लीज एक्सप्लोर सम ऑफ द टूल्स जो आपको मैंने बताए हैं, इट विल बी रियली यूजफुल फॉर यू। थैंक थैंक यू सो मच निधि मैम, इट यू डॉक्टर वॉज अ प्राची। वंडरफुल सेशन। मतलब आई एम नॉट फ्रॉम ज्योग्राफी बैक।